तो दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग में स्वागत है। तो जहाँ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि देखिए सीढ़ी का जो स्टेयर के शुरू में किस तरीके का दिखता है साइड में। ये हो गया टाई बीम, जहाँ देख रहे हैं ये हो गया टाई बीम। इस टाई बीम से जो है इस तरीके का रॉड निकला हुआ है यहाँ तक, और ये सीढ़ी जो है आपका यहाँ से बनते हुए जहाँ देख रहे हैं यहाँ से बनेगा, और यहाँ से बन के जो है यहाँ पर फास्ट लैंडिंग वहाँ पर होगा। जहाँ देख रहे हैं यहाँ से उठेगा, यहाँ से आपका पहला यहाँ पे दो जाली होगा, यहाँ से उठा, यहाँ पे लैप होगा, उसके बाद यहाँ से उठने के बाद ये जो है यहाँ पे पहले से ब्रिक वर्क कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपका फास्ट लैंडिंग होगा। यहाँ पे फास्ट लैंडिंग हो गया और बीच से जो है आपको इस तरीके का दिखेगा जहाँ देख रहे हैं फर्स्ट लैंडिंग यहाँ पर होगा। तो आपको जो है शुरू में ध्यान रखना है कि जब अगर आप कास्टिंग करा रहे हैं सीढ़ी के लिए, तो आपको सबसे पहले टाई बीम जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको इस तरीके का जो है सरिया निकल के रखना है। यहाँ देख रहे हैं, अगर निकल के नहीं रहेगा तो फिर आपको जो है उतना मजबूती नहीं मिलेगा। वो सब जो है निकल के रखता है, इस तरीके से आपको देखना है कि साइड में। अब इसका कटिंग लेंथ निकल सकते हैं। इसको कटिंग लेंथ निकालने के लिए जिसको जेल किया जाएगा, उसमें भी मैंने मेरे ही इसी चैनल में जो है आपको कटिंग लेंथ निकाला हुआ है, आप उससे कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से जो है सीढ़ी का स्टेयरकेस के लिए जो है बनाया जाता है। यह हुआ मेन एंट्रेंस, यहाँ देख रहे हैं इस तरीके का पहला ब्रिक वर्क कर दिया तो उसको सपोर्ट मिल गया, तो जो है वहाँ पे शटरिंग का कम उस तरफ तो शटरिंग नहीं करना होगा, सिर्फ इस तरफ करना होगा और बीच में, तो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। तो आप जो है पहले ब्रिक वर्क कर सकते हैं, करना एक बेहतर ऑप्शन भी होता है। और ये हो गया, ये तो सीधा होगा, इधर से लैंडिंग ऊपर आएगा। ये जो देख रहे हैं इसमें जो है आपको दिखाई देगा कि कॉलम जो है टू फ्लोर का बन रहा है। जहाँ देख रहे हैं ये फर्स्ट फ्लोर तक का कॉलम कास्टिंग हो चुका है, यहाँ दो लेयर में हुआ है। जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे सब कास्टिंग किया हुआ है। अब इसके ऊपर जो है आपका स्लैब का सेटरिंग बनेगा, बीम स्लैब का सेटरिंग बनेगा, कॉलम के ऊपर बीम का सेटरिंग और स्पेस में जो है आपका स्लैब का सेटरिंग। तो साइट में जाकर जो है आप स्टेयर केस को इस तरीके से बनाने के लिए शुरू में जो है आपको प्लान करना पड़ेगा, तभी जो है आपका सारा सरिया जो है डिटेल्स आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको सीढ़ी बनाने के टाइम जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इसको DPC कहेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है यहाँ पे DPC प्रोवाइड किया गया है। जहाँ देख रहे हैं तो यह DPC है, लेकिन यहाँ पर जब स्टेयर केस होगा तो वहाँ पर आपको टाई बीम देना पड़ेगा, प्लिंथ बीम देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लोड आएगा तो वहाँ पर आपको मजबूती, जहाँ इस बीम को देख रहे हैं 1 फीट हाइट है और 10 इंची चौड़ाई है, तो 1 बाई 10 इंची का बीम बनाया गया है, इसे टाई बीम भी कहा जाता है। तो आपका जो है लैंडिंग, इनिशियल लैंडिंग जब राइज होगा तो वहाँ पे आपको बीम देना ज़रूरी है, उसके बाद जो है फास्ट लैंडिंग के उस साइड में जो है आपको एंड पोर्शन पे जहाँ कॉलम खड़ा हुआ है वहाँ पे भी आपको बीम देना ज़रूरी है, या बीम देना पड़ेगा, क्योंकि इसका लोड जो है उसी पे ट्रांसफ़र होगा, इसी पे ट्रांसफ़र होगा और इसी बीम से जो है फिर मिट्टी पे जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप साइट में जाकर या फिर साइट में जो है आप स्टेयर केस के साथ साथ आप जो है उसका सारा डिटेल्स या फिर उसका जो लोड आपका कहाँ पे आएगा, किस तरीके से सारी निकलना है, इस तरीके से आप निकल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो है आपको स्टेयर केस साइट में जाकर किस तरीके से होता है शुरू में, जो पहला स्टेप आप देख रहे हैं, इसके बाद इसमें बार बेंडिंग होगा, इसमें सेटिंग लगेगा, तो उसके बाद आपको फिर दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।